इस क्वेश्चन में पूछते हैं कि एक आपके पास रिएक्शन गिवन है और चार आपको वो केसेस दे रहा है, पूछता है कि इनमें से कौन सा केस जो है वो हमारे पास ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास चाली है, आइए हम लोग इसको जस्टिफाई करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक रिएक्शन गिवन है और रिएक्शन देके आपसे पूछता है कि पहली कंडीशन क्या कहता है, एफ ई एस ओ फोर एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करने से मुराद ये है, ये खुद क्या होगा, ये हमारे पास खुद जो होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। तो आइए हम लोग इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात कर लेते हैं कि जब हम लोग बात करेंगे एफ ई एस ओ फोर की, तो एफ ई एस ओ फोर के अंदर चारों ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमारे पास होगी -8, सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट +6 और आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमारे पास +2 होगी। और अगर आप लोग प्रोडक्ट साइड पे एफ ई टू एस ओ फोर थ्राइस को देखते हैं, तो जब भी आपके पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो मैंने आपको बताया हुआ इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का रूल कहें कि हमारे पास आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगी और सल्फेट आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 से +3 की तरफ जा रही है आयरन के मीट से, ये आपके पास स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास ठीक स्टेटमेंट होगी। बीटा ऑप्शन के अंदर देखें कहता है के टू सी आर टू सेवन जो है वो हमारे पास एक्ट कर रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो के टू सी आर टू सेवन के अंदर आप लोग इसके ऑक्सीडेशन स्टेट देख लें, 7 ऑक्सीजन है तो -14 ऑक्सीडेशन, 2 पोटाशियम के +2, तो 6 2 क्रोमियम है, दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट +12, और अगर एक ही देखनी तो +6 होगी। प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास सी आर टू एस ओ फोर थ्राइस है। सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखना है कि हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का रूल गए, याद रखें आयनिक कंपाउंड में हमेशा हमारे पास पहले कैटाइन होता है, फिर हमारे पास एनाइन होता है। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ये 3 जो है वो इधर आ जाएगा, मतलब क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, जो 2 है वो इधर चला जाएगा, मतलब सल्फेट के ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास यहाँ पे -2 होगी। तो यहाँ पे क्रोमियम देखें +6 के कहाँ पे जा रहा है, +3 के अंदर, खुद की इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। जब खुद की रिडक्शन होती है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है, तो ये भी हमारे पास ठीक स्टेटमेंट। फिर कहता है कि क्रोमियम +6 से +3 के अंदर गया है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्रोमियम +6 से +3 के अंदर ही जा रहा है मीटर से, ये भी हमारे पास बात ठीक है। जबकि डेल्टा के अंदर कहता है एफ ई +3 ऑक्सीडाइज टू एफ ई +2, तो +3 से ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है। तो जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है तो वहाँ पे हमारे पास रिडक्शन होती है, मीन से आपके पास फोर्थ ऑप्शन ठीक नहीं है, 1, 2 और 3 है, तीनों के तीनों ऑप्शन जो है वो आप लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। तो मीन से यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही आ रहे हैं।